क्या बताया जा रहा है कि ये आईईडी ब्लास्ट था। लोकल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि असम के अलगाववादी गुट यूएलएफए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि उन्होंने अपने किसी मीडिया हैंडल पर इससे संबंधित कोई पोस्ट नहीं किया है। सेना मामले की अब जांच में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में पारंपरिक सिद्धेश्वर दिलंक मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया।